एम्स से लड़के कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं आज के वीडियो में, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। एम्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं एंड लड़कों के मन में अक्सर ये डाउट होता है कि मैं एम्स में कोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए है ये कोर्स। तो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी क्या इसके पीछे सच्चाई है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है और कौन सा कोर्स आपके लिए है, सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एम्स में क्या क्या कोर्सेज होते हैं। तो एम्स में पहली बात तो MBBS होता ही है, ठीक है। MBBS का एग्ज़ाम आप नीट के थ्रू दे सकते हो, और चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सभी लोग MBBS एम्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। बात आती है पैरामेडिकल एंड BSc नर्सिंग की, यहाँ कन्फ्यूजन शुरू होती है, तो मैं यहाँ आपको क्लियर करती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि एम्स का जो पैरामेडिकल कोर्स है, ठीक है, पैरामेडिकल एंड BSc नर्सिंग का जो कोर्स है वो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू होता है। एग्ज़ाम का नाम है एम्स PAAR, या जिसे एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स भी आप कहते हो। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की। एम्स का जो पैरामेडिकल कोर्स है, एम्स के पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें बी फार्मा नहीं होता, इतना आप जान लो, बी फार्मा या डी फार्मा नहीं होता है एम्स में, ठीक है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैंने बता दिया, बी फार्मा डी फार्मा ये सब नहीं होता है एम्स में। जो कोर्सेज की लिस्ट है एम्स की वो मैंने इस वाले वीडियो में बताई है, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखो, लास्ट में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे ही आ जाएगा, आपको बस छूना रहेगा, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो, इसमें पैरामेडिकल एम्स में जितने भी पैरामेडिकल कोर्स होते हैं सब मैंने बता दिया, उसके बाहर कोई कोर्स नहीं होता, इतना आप जान लो, ठीक है। और पैरामेडिकल में लड़के हों या लड़की हों, दोनों एडमिशन ले सकते हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं किस बेसिस पे ये बात कर रही हूँ, कई लोग मेरा बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए मैं प्रूफ के तौर पे जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से पिछले साल का प्रॉस्पेक्टस है, इस साल का तो निकला नहीं, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी लास्ट में, तो आप देख लेना, ठीक है, अभी लास्ट में मैं उसको दिखा दूंगी। तो इतना जान लो, पैरामेडिकल का कोर्स लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, ठीक है। बात आती है BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग दो तरह का होता है, पहला होता है BSc नर्सिंग ऑनर्स, दूसरा होता है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है? BSc नर्सिंग ऑनर्स 4 साल का होता है, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का होता है। पोस्ट बेसिक करने के लिए आपका पहले ANM या GNM होना ज़रूरी है। ANM का कोर्स सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, GNM का लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। तो लड़कों के लिए अगर बताऊं तो पहले उन्हें GNM करना पड़ेगा, तब वो पोस्ट बेसिक में जा सकते हैं। और BSc नर्सिंग ऑनर्स लड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट बेसिक है। तो आप ऐसा सोचो कि 12th पास करके तुरंत आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो एम से, तो आंसर है नहीं। आपको पहले GNM करना पड़ेगा, तभी आप पोस्ट बेसिक का एग्ज़ाम दे के तभी आप एडमिशन ले पाओगे। और एक टफ़ बात यहाँ पे और है लड़कों के लिए, कि सिर्फ 20 सीट है, 20 सीट्स अवेलेबल हैं BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के, ठीक है, और वो भी सिर्फ एम्स दिल्ली में ही है, और किसी एम्स में है भी नहीं। तो यही प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से कहा जाता है कि लड़कों के लिए BSc नर्सिंग नहीं है एम्स का, है लेकिन सिर्फ 20 सीट्स हैं, और GNM करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। लेकिन पैरामेडिकल आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप 12th के बाद या 12th में हो तभी आप पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलो प्रूफ की बात कर लेते हैं, मैं किस बेसिस पे ये बात कह रही हूँ, क्योंकि कई बार आप गूगल पे सर्च करोगे या कई लोगों की वीडियो देखोगे तो वो लोग कहेंगे कि एम्स में सिर्फ लड़कियों के लिए ही पैरामेडिकल एंड BSc नर्सिंग होता है। तो मैं प्रूफ के साथ आपको बता देती हूँ, एम्स BSc नर्सिंग का इस साल का तो प्रॉस्पेक्टस नहीं आया है, तो मैं इस साल की बात नहीं कर सकती, लेकिन सेम रहता है जो आपका पिछले साल की एलिजिबिलिटी थी, वो हर साल रहती है। तो मैं पिछले साल का प्रॉस्पेक्टस आपको दिखा रही हूँ, ये वाला देख सकते हो आप, इसमें सीट मैट्रिक्स बताया गया है और कोर्सेज के बारे में बताया गया है। आप एम्स टाइप करोगे गूगल पे तो आपके सामने इस तरह का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। नहीं मिलता है तो मैं लिंक भी आपको दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये ऑफिशियल है, ये मैंने नहीं बनाया है, इस पर आप एम्स का लोगो भी देख रहे होगे, ठीक है। इसमें देखो सबसे ऊपर की तरफ दे रखा है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक में कुछ नहीं लिख रखा ब्रैकेट में कि ओनली फॉर गर्ल्स है कि क्या है, कुछ नहीं लिख रखा, मतलब कि दोनों के लिए है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं BSc नर्सिंग ऑनर्स के लिए, इसने साफ साफ लिख रखा है ओनली फॉर गर्ल्स,
ओनली फॉर गर्ल्स, यानी कि ऑनर्स वाला सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो पैरामेडिकल वाला, पैरामेडिकल में कुछ नहीं लिख रखा। अगर उसे सिर्फ लड़कियों के लिए देना होता तो वापस से वो लिखते ये बात कि सिर्फ लड़कियों के लिए है ये, पर ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है, मतलब ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। सिर्फ बीएससी नर्सिंग ऑनर्स ही ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, बाकी के दोनों चीज़ यानी कि पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। तो ये प्रूफ के साथ भी मैंने आपको बता दिया, अब भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद चेक कर सकते हो, मैं जितना दिखा सकती थी बता सकती थी मैंने आपको बता दिया। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है कॉमेंट्स में बताओ मुझे, मैं जानती हूँ आप अपनी दिक्कतें बता रहे हो, मैं दिक्कतें पढ़ रही हूँ, पर मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इस समय बहुत सारे डाउट्स मेरे सामने आ रहे हैं, और मेरी एक कैपेबिलिटी है कि मैं वीडियो एक दिन में 1 से 2 या 3 बना सकती हूँ, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, सबका डाउट क्लियर होगा। अभी फॉर्म आने में बहुत टाइम है, 1 महीने तक का टाइम है, तब तक हर एक का डाउट मैं क्लियर करते जाऊँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जिसका डाउट ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ, जिसका कम ज़रूरी है उसको बाद में सॉल्व कर रही हूँ, और कई लोग का तो कमेंट में ही डाउट सॉल्व कर दे रही हूँ। तो आप कमेंट्स करो, मेरे दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हैं, जल्द से जल्द उस पर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।